देखा भी होगा कि इसमें सबसे बड़ा हम लोगों ने किया था कि बायोमेट्रिक्स पर हम लोगों ने काफ़ी तरजीह दिया था उसको, और उसके कई सार्थक परिणाम भी हम लोगों के आए हैं। कई मुन्ना भाई जैसे लोग कह रहे हैं कि कई मुन्ना भाई पकड़े गए हैं, और मैंने पहले भी कई अवसरों पर यह बात कहा है कि हमें अगर सिस्टम में सुधार रखना है, कदाचार मुक्त रखना है इसको, तो जो कदाचारी जो क्या सोचते हैं और कैसे करते हैं उनसे हमको दो कदम आगे रहना है। तो आज जो हम लोगों ने जो किया यह परफेक्शन नहीं है, मतलब इसको कभी नहीं कहा जा सकता है कि यह परफेक्ट है, क्योंकि आज जो चीज़ हम लोगों ने किया अगर हम उसमें अगर परिवर्तन या सुधार नहीं करने करेंगे या नहीं सोचेंगे उस दिशा में, तो आने वाले समय में इस पर भी लोग सेंधमारी करने का प्रयास जरूर करेंगे, हो सकता है कि सेंध भी मार लें। तो इसलिए हम लोग व्यवस्था में हमेशा से सुधार करते रहेंगे, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि कुछ और भी सुधार होंगे। इसमें आपने देखा होगा कि इसमें यहाँ से ही हम लोगों ने कई कई सेंटर्स पर जो भी थोड़ी बहुत कोई बातचीत कर रहा है दूसरे से, या कहीं पर कोई खड़ा को उधर करने की कोशिश कर रहा है, तो यहीं से हम लोग इसको चिन्हित करके बता रहे थे और सेंटर्स के लोग एक्शन ले रहे थे। उसके साथ साथ हम लोगों ने यह भी था, सभी लोग कैमरे की नज़र में है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, और सब लोग अपने सही तरीके से सब लोगों ने काम किया। और मैं इसमें एक मीडिया को भी और इसमें अभ्यर्थियों को भी, क्योंकि सबको जब ये पता चल गया कि इतनी इतनी मतलब कैमरा के दायरे में सब कोई सब हैं, तो किसी ने भी ज़्यादा प्रयास नहीं किया। कुछ ऐसे लोग थे जो इसके बावजूद दुस्साहस किए तो पकड़े भी गए। हमें सोचना पड़ता है और ये हमारा काम भी है, अगर नहीं सोचेंगे तो हम भी बेवकूफ़ बन जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा सर, अब सवाल उठ रहा है क्योंकि लगातार 8 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है, तो सबके जो दिल की धड़कनें हैं वो बढ़ गई हैं, और उनके बीच अब घमासान भी चल रहा है रिजल्ट को लेकर, तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि नतीजे कब तक आ सकते हैं? देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि मैं नतीजों को एक फेज वाइज दूंगा जी, और सबसे पहले मैं 11th 12th के अभ्यर्थियों को दूंगा जी, उसके बाद 9th 10th, और उसके बाद प्राथमिक के जी। और इसका कारण है, इस सिक्वेंसिंग का कारण ये है कि आपने देखा होगा कि हम लोगों ने जो आवेदन आमंत्रित किया था उसमें हम लोगों ने स्पष्ट किया हुआ था कि जिसको भी एक नौकरी मिल जाएगी उसका वही नौकरी हम उसको देंगे, दूसरी नौकरी नहीं देंगे। क्योंकि हो सकता है कि किसी ने तीनों के लिए अप्लाई किया हो, तीनों के लिए योग्य हो, और तीनों उसमें उसके मेरिट लिस्ट में आ रहा हो, तो स्वाभाविक है कि वो एक ही नौकरी कर पाएगा। और ये आवेदन में हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया था कि हम एक ही नौकरी देंगे और जो मिल जाएगा उसी को देंगे, और इसका क्रम जो हमारा है वो सबसे पहले हम उसको 11th 12th के लिए देखेंगे, और इसीलिए सबसे पहले हम उसी का रिजल्ट निकालेंगे। तो जो इसमें जिसका चयन हो जाएगा उनको फिर हम 9th 10th में कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा। और इसी कारण से हम इस तरह से फेजिंग कर रहे हैं कि पहले हम 11th 12th का। तो 11th 12th के नतीजे कब तक, एक टेंटेटिव अगर तारीख आप बता सकें? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि 11th 12th एंड 9th 10th दोनों ही लगभग आगे पीछे 15 के आसपास पूरी उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है, आ सकते हैं। अच्छा सर, लगातार जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि हम लगातार एग्जाम सेंटर्स पर थे, देखिए बहुत सारे अभ्यर्थियों से हमने बात की, काफ़ी अभ्यर्थी थे जो बड़े गुस्से से एग्जाम सेंटर के बाहर निकल रहे थे, मतलब इतना भड़के हुए थे और साफ साफ कह रहे थे कि सवाल तो इतना टफ था कि क्या बोले, मतलब ऐसा लग रहा था कि आउट ऑफ सिलेबस, और बहुत उन्होंने ऐसा बोला कि आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछे गए थे, तो क्या बीपीएससी ने ऐसा किया है? देखिए, बीपीएससी ने ऐसा कुछ नहीं किया, सभी प्रश्न जो हैं वो विद इन सिलेबस हैं। मुझे स्मरण है कि जैसे प्राथमिक में शायद एक प्रश्न था, अगर सर्किल का एरिया अगर 40π² है तो सर्किल के रेडियस के बराबर का स्क्वायर का एरिया क्या होगा। जब मैंने यह प्रश्न देखा तो मैं भी उछल पड़ा, इसलिए कि मैं समझ गया कि यह प्रश्न तो बिल्कुल ही बच्चों वाला है जरूर, लेकिन यह प्रश्न ऐसा है कि एक बारगी में किसी से पूछा जाए तो उसको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप भी इसका आंसर जानते हैं या जान सकते हैं, क्योंकि आपने भी वो पढ़ाई किया, ये बेसिक प्राइमरी स्कूल का ही लेवल का मामला है ये। लेकिन एक बार की मैंने कई अच्छे लोगों से भी पूछा, ये सवाल का जवाब नहीं दे पाए, कई तरह तरह के लोग भटकते रहे। तो सवाल का जो ये जो स्तर था या सिलेबस की जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ही एनसीईआरटी के प्राथमिक के हिसाब से, मतलब प्राथमिक का मतलब 10th तक का, क्योंकि प्राथमिक के जो अभ्यर्थी थे उनका न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट था, तो इसलिए हम लोगों ने ये किया था कि हम लोग 10th तक का इसमें रखे थे, उसका जो लेवल था प्रश्न का जो स्टैंडर्ड था वो 10th तक का हम लोग रखे थे, और ये 10th तक के लिए बिल्कुल है। 10th क्या, ये तो प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, ये तो प्राथमिक का ही है, क्योंकि प्राथमिक के बच्चे ही जानते हैं कि π r² होता है सर्किल का, अगर π r² अगर सर्किल का एरिया होता है 40π² है तो दोनों तरफ से π π हटा दीजिए तो r² का वैल्यू इज
40 पाई हो गया, वही आंसर है। तो इतना सिंपल था ये सवाल जी, जी, जी। लेकिन इस सवाल में भी कई लोग भटके जरूर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, और इसीलिए शायद भटके हैं तो इसलिए कह रहे हैं कि क्वेश्चन जो है मतलब अंगूर खट्टे लगे, नहीं मिले तो कह दो कि खट्टे हैं। तो मैंने पहले किसी इंटरव्यू में कहा ही था कि हमारा काम ही है कि हम उन लोगों को कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दें ताकि तब पता चलेगा। जैसे ये क्वेश्चन देख के मैं बहुत खुश हुआ कि ऐसा क्वेश्चन पूछा है जिस सेटर ने, तो बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। अच्छा सर, एक और सवाल है मेरा कि कट ऑफ क्या, आपने कहा है कि अब जिनके जो अंक हैं अगर कम भी अंक आते हैं तो कट ऑफ में भी थोड़ा सा फेर बदल किया जाएगा। देखिए, हम लोगों ने ये कहा कि अगर हमारी रिक्ति 75% से नहीं भर पाती है तो हम 75% अभ्यर्थियों या 75% रिक्ति दोनों में जो कम है उतना हम लोग जरूर भर देंगे, और उस हिसाब से हम लोग जो कट ऑफ है, जो हमारा क्वालिफाइंग कट ऑफ जो 40% जनरल के लिए जैसे है, उसको हम लोग उतना उस हद तक शिथिल करेंगे। लेकिन ये सुविधा जो हम लोगों ने दिया है, ये हम लोगों ने क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि प्रश्न का स्टैंडर्ड क्या है, अभ्यर्थियों के लिए का क्या स्टैंडर्ड है, ये मुझे भी पता नहीं था, और जैसा मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी था कि इन्हीं सब कारणों से हम लोगों को इसको सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग जानते नहीं और सरकार की मंशा है। वैसे सरकार के ऊपर लोग हमेशा आरोप लगा रहे थे कि सरकार नहीं चाहती है नियुक्ति करना, जबकि इसके ठीक उलट सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक नियुक्ति देना। और आप इसी कारण से हम लोगों ने कहा कि भाई अगर ऐसी अगर गलत लोग बयानबाजी कर रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि भाई सरकार की मंशा ही नहीं है, तो सरकार अपनी मंशा दर्शा रही है कि भाई हम 75% तक का हम भर देंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि उसके कारण से मुझे जो वर्तमान में कोई शिथिल करने की जरूरत है क्वालिफाइंग को। लेकिन ये एक प्रोविजन किया गया इसलिए कि लोगों को लगे कि हाँ, सरकार की मंशा भी है नियुक्ति करने की, हमारी मंशा है नियुक्ति करने की, और अगर बाय चांस कोई ऐसे मामले में अगर नहीं भर पाते हैं तो हम रिलैक्स करने के लिए तैयार हैं। और ये बात आपने देखा होगा कि अभी हमारे जो 9th, 10th या 11th, 12th में हमें जो स्मरण है कि उसमें 4 पेपर जो 9th, 10th में है और 3 पेपर 11th, 12th में ऐसे हैं, उनको छोड़ करके मतलब बाकी जितने पेपर्स ऐसे हैं उसमें अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों से कम है। तो स्वाभाविक है कि उसमें जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स ले आएंगे वो पास कर गए, मतलब उनका हो जाएगा। तो उसमें हमें इसीलिए आपने देखा भी होगा कि हमारे प्रश्न पत्र के जो स्टैंडर्ड थे वो अभ्यर्थियों की संख्या, संभावित संख्या को ध्यान में रख करके ही किया गया था। और इसलिए कई बार लोग जैसे बोल रहे थे कि खास करके जैसा मुझे स्मरण है कि शायद वो अंग्रेजी विषय था या कोई अंग्रेजी का पेपर था, किसी और का पेपर था, लोग कह रहे थे क्या कि उसमें इसके लिटरेचर पर प्रश्न नहीं है और सिर्फ ग्रामर पर प्रश्न है। तो पहली बात तो जो अभ्यर्थी जो इस तरह से अपनी अपने विचारों को रखते हैं, विचारों को रखने में कोई गलती नहीं है, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि जो आयोग उनका चयन करने जा रहा है उस आयोग के जो अपने विशेषज्ञ हैं उनसे ज़्यादा ज्ञानी वो तो नहीं है। अगर वो नहीं ज्ञानी होते तो शायद वो आयोग के विशेषज्ञ ही बन जाते। तो उनको समझना चाहिए कि जो जो विशेषज्ञों ने जो बनाया है उसको कई चीज़ों को सोच समझ करके ही बनाया है, इसलिए उस पर टीका टिप्पणी से उनको बचना चाहिए। अब वो विषय जब आप देखेंगे तो अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो रिक्ति से कम है।